from Bangalore. I run two businesses. One is interior design firm and the other one is restaurant. And recently I won Mrs. India Universe crown. मेरा नाम है शिवानी माथुर. मैं बैंगलोर से हूँ एंड आई हैव वन परसोना मिसेज इंडिया वुमन ऑफ यूनिवर्स टाइटल एट परसोना मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट विच हैपेंड लास्ट नाइट. आई एम वेरी प्राउड एंड रियली आई टुक दिस प्लंज एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ ऑल थ्रू आउट एंड दैट्स द रीजन वाई आई वन द टाइटल. मुझे शुरू से विश्वास था कि मैं कुछ ना कुछ जीत के जाऊंगी और ये जब मुझे अवार्ड मिला तो मेरे सपने पूरे हुए और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आई वन द टाइटल. सो आई एम फाउंडर ऑफ डांसिंग अदा. डांसिंग अदा की भी एक कहानी है. 3 साल पहले जब कोविड शुरू हुआ इंडिया में मार्च 25, 2020 में, मैंने हर दिन उस दिन से लेके आज तक एक डांस कवर दिया है टू स्प्रेड पॉजिटिविटी अमंग विमेन एंड अदर पीपल इन द सोसाइटी. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डांसिंग अदा है. आपने ये जाना होगा उसको देख के कि मैंने हर दिन बिना रुके एक डांस कवर दिया है और शायद किसी भी आर्टिस्ट ने आज तक इतना कॉन्टेंट नहीं क्रिएट किया होगा जितना मैंने किया है इंस्टाग्राम पर. तो ये मैंने इसलिए किया कि सोसाइटी में मैं ये बता सकूं, फैला सकूं कि लाइफ ख़त्म नहीं हुई थी कोविड से, हम फिर भी कुछ अचीव कर सकते हैं, हम सब में वो मनोबल है, हम सब में वो काबिलियत है कि हम कुछ आगे बढ़ें और कुछ करें अपने लिए. तो डांसिंग अदा की कहानी यही है कि हमने ये चीज़ शुरुआत जो करी थी और कभी रुकेंगे नहीं और चलते जाएंगे. So as an artist, I am a dancer, choreographer and actor, open to all the, you know, opportunities which may come my way. I am open to OTT platform, I am open to any web series, I am open to modeling, I am open to almost everything which gives me a better and a bigger platform, and because I am an opportunist and an achiever. How far your family has So I come from a very modern and liberated family. When I say that, it means that modern and liberation means that the thoughts and the values of people are, you know, like this, that women should also have equal stay and stake in the society when you talk about achieving. So both my mother-in-law and my husband are very, very, you know, optimistic and they have always had, you know, I have always mother-in-law and my husband have, you know, given me all the confidence and they are the people behind me who have pushed me to, you know, succeed and pick up all the, you know, challenges and face the obstacles. What do you think, who is best inspiration? I think I am an inspiration myself because, like I said, no artist must have created so much of content so far as I have done. You can please go and check Dancing Ada. You can see my dance covers. I have a variety of dance forms that I have presented to the entire world. So I feel I am at a stage when I can say that me, myself, I inspire myself every day. I inspire myself. I push myself to create and achieve and succeed. So, why not? Because अगर artists Bangalore में ज़्यादा अच्छे पाए गए तो एक mini Mumbai Bangalore में भी बनाना चाहिए. तो पहले सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम स्निग्धा मुखर्जी है. मैं अहमदाबाद से हूँ और by profession मैं एक educator हूँ और persona का ये crown मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ. उनको शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल होगा. सी एज एन एजुकेटर आई एम देयर टू नर्चर द स्टूडेंट्स एज दे आर द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री.
सो मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दूँ, और नॉट ओनली विद द चिल्ड्रन, मैं ये चाहूँगी कि मैं लेडीज़ के लिए भी कुछ करूँ. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, ईच एंड एवरी वन. इफ अ पर्सन इज़ एजुकेटेड ही कैन डू वंडर्स इन हिज लाइफ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ही नीड टू गेट अ चांस टू परफॉर्म. And through Persona, I got this platform, and I will explore this platform, and I will like spread this love and positivity to the society. Thank you, Suhan sir. मैं Persona Mrs. India 2022 की second runner up हूँ, और बहुत खुश हूँ ये crown पाके, और मैं और भी महिलाओं को प्रेरित करूँगी इसके लिए, जो ये सोचती हैं कि इच्छा तो होती है पर वो पढ़ नहीं पाते, जो कि उनकी शादी हो गई होती है, उनमें हिचक हो जाता है, उनको ये लगने लगता है कि वो ये नहीं कर सकती हैं. मैं एक एग्जांपल हूँ उनके लिए, अपने शहर के लिए तो हूँ ही. हाँ मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ. मैं महिलाओं के टच में ही ज़्यादातर रहती हूँ, उनको ही सिखाती हूँ, उनको बहुत कुछ बताती भी हूँ. जो लोग घर में ही रह रहे हैं उनको बोलती हूँ बाहर निकलो, सीखो, देखो, करो. तो मैं काफ़ी लोगों को इंस्पायर करूँगी. बहुत ज़रूरी है योगा. हम लोगों को बाहर से तो फिट करता ही है, हम लोगों के मन को भी शांत करता है, हमारे अंदर का जो ऑर्गन्स है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, अपने दिमाग के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, सबके लिए योगा अच्छा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. योगा हर किसी को करना चाहिए आज के डेट में, वो हमको निरोग भी रखता है. रियली गुड टाइम टू एक्चुअली सिलेक्ट द विनर्स, बिकॉज जो भी 33 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ थे स्टेज पे, वो सभी अपने अपने में बहुत बेस्ट थे. तो उन 33 में से ये चार विनर्स और दो रनर अप को निकालना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था. इनफैक्ट जजेस के लिए बहुत मुश्किल था, हमारे फैकल्टीज मेंटोर के लिए बहुत मुश्किल था. बट आई नो कि ये जो भी चार विनर्स और दो रनर अप जो हमारे सामने हैं, वो बाकी कंटेस्टेंट्स है आई थिंक, ऐसे तो सभी बेस्ट है, बट ये कंटेस्टेंट्स उनसे शायद 1% और ज़्यादा बेस्ट है. और जिस हिसाब से उनकी अभी ग्रूमिंग होगी, क्योंकि ये चार विनर्स इंटरनेशनल पैजेंट में अपने अपने इंटरनेशनल पैजेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि इनकी ग्रूमिंग हम उस तरह से कराते हैं ताकि वो बाकी 80 कंट्रीज़ को कम्पीट कर पाए. हमने जैसे ब्लैंक कैनवस एकेडमी को हायर किया है इनकी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग के लिए, तो हर एक चीज़ जो एक इंटरनेशनल पैजेंट में रिक्वायर्ड है इनकी, वो हर एक चीज़ ट्रेनिंग हो जाएगी. इनकी वॉक थरली और सिखाया जाएगा. यूजुअली इंटरनेशनल पैजेंट में नेशनल कॉस्ट्यूम करके एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इनका स्पेशली डिज़ाइनर हायर करके इनके कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन की जाएगी. प्लस इनके जो स्पीच होती है, इनकी जो चैरिटी कॉजेज होती है, वो हर एक चीज़ हमारे नज़र में रहेगी ताकि उनको वहाँ पे आसानी हो. हर साल में बड़ी खुशी होती है जब Persona Miss India शुरू होता है. मेहनत तो हर औरत करती है, मेहनत हर कोई करता है अपने सिटी से जब वो सिलेक्ट होती है और फाइनलिस्ट बन के आती है, तो ऑफकोर्स उनके खुद के भी ड्रीम्स होते हैं, उनके खुद के भी यू नो मेहनत उसके पीछे होती है. बट एज पर द कंसर्न जो हमारा सपोर्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट होता है, वो ये होता है कि हम उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग्स दें, हम उन्हें बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज दें. जैसे परिमल मेहता, आप सब जानते हैं, परिमल इज फ्रॉम Femina Miss India. अर्चना कोचर जो डिज़ाइनर है, उन्होंने इन्हें फैशन से, देर आर मेनी मोर फैकल्टीज जिन्होंने इनके साथ इंटरेक्ट किया है, जिन्होंने इन्हें कुछ ना कुछ यू नो अपने सजेशंस दिए हैं, अपना जो उन्होंने सीखा है उसका कुछ परसेंट इन तक पहुँचाया है. सो या ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करती है अपने फाइनलिस्ट को देने के लिए, और वही जो बेस्ट तरीके से ऑब्जर्व कर पाता है या बेस्ट तरीके से वो सीख पाता है, वो नॉलेज गेन कर पाता है, वही लोग फिर विनर कहलाते हैं. तो आज जो इंटरव्यू है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो स्पेशली Persona Miss India के विनर्स के लिए सीजन 5 के. हमारे ये 5वां सीज़न रहा Persona Miss India का, और हर बार कुछ नया नया अचीवमेंट हर प्रदेश की महिलाएं आके लेती आई है. हम लोगों ने घर से ला के ऑडिशन लेने, हम लोग भी पर्सनली, हमारी टीम ही जाती है, और वहां से महिलाओं में जिनमें क्वालिटी है और जिनका प्लस इंटरेस्ट है कि वो कुछ आगे करना चाहती हैं, तो Persona का जो प्लेटफॉर्म है वो उन्हें दिया जाता है और वो लोग उसको अचीव करती हैं, और जब वो पा लेती हैं उसके बाद उनकी जर्नी शुरू होती है लाइफ की. तो ये चीज़ें महिलाओं को, हम लोगों को देख के बहुत खुश होते हैं, खुशी होती है,
और ये देख के कि वो अपने अपने प्रदेशों में बहुत अच्छा नाम कमा रही है और बहुत आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू।